हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, इस वीडियो को आप उनके चैनल पर भी देख सकते हो इंग्लिश में विद इंग्लिश सबटाइटल। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का ओल्ड चैप्टर है एंड इस चैप्टर में हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू वर्सेस सेल की लड़ाई देखेंगे। एंड हमने पिछले पार्ट में देखा था कि गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आज हम जानेंगे कि इससे आगे क्या हुआ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा की शुरुआती पेजेस में हम सेल को देखते हैं। हम देखते हैं कि सेल भी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है एंड सेल के सामने गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट खड़ा हुआ होता है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं एंड गोकू सेल से बोलता है कि मैंने 14 ईयर का इंतज़ार किया इसी मोमेंट के लिए एंड आज वो दिन है जिस दिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और आज ही ये खेल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सेल हंस रहा होता है एंड सेल बोलता है कि लगता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, लगता है मेरे लास्ट अटैक का असर तुम्हारे दिमाग पे हुआ है। और रही बात इस फाइट की, ये फाइट तो तब एंड हो जाएगा जब तुम्हारा खात्मा हो जाएगा एंड तुम लड़ने के लायक नहीं रहोगे। और जैसे ये फाइट ख़त्म हो जाएगी एंड तुम हार जाओगे, वैसे ही तुम मेरा हिस्सा बन जाओगे गोकू, जिस तरीके से मैंने गुहान के साथ किया। ये सुनकर हम देखते हैं कि गोकू थोड़ा सा हैरान रह जाता है एंड गोकू बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि मेरे बेटे का नाम अपने मुंह से मत लेना एंड अब तुम्हें इस चीज़ की कीमत चुकानी होगी सेल। इसके बाद सेल बोलता है कि बहुत हो गया सन गोकू तुम्हारी बकवास बातें, हो सकता है कि तुम डेटा के हिसाब से ज़्यादा ताकतवर हो गए हो पर तुम अभी भी मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं एंड दोनों ही लड़ाई वाले पोजीशन पे आ जाते हैं एंड दोनों ही अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म का यूज़ कर रहे होते हैं एंड सेल बोलता है कि क्या तुम तैयार हो सन गोकू, एंड गोकू बोलता है कि अभी मैं इतना तैयार हूँ जितना तैयार मैं आज तक कभी नहीं हुआ। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है एंड दोनों ही एक दूसरे की तरफ काफ़ी तेज़ी से जा रहे होते हैं एंड दोनों के पंचेस आपस में टकराने वाले होते हैं। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें यही दिखता है, हम देखते हैं कि दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं एंड जैसे ही इन दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं हम देखते हैं कि ज़मीन चटकने लग जाती है एंड एक प्योर एनर्जी का बैरियर बन जाता है चारों तरफ एंड काफ़ी दूर तक इनके लड़ाई के शॉक वेव्स जा रहे होते हैं। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोकू एंड सेल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं एंड गोकू आसमान में होता है एंड वहीं पर सेल ज़मीन पर होता है एंड सेल गोकू से बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हो सन गोकू, तुम्हारे वजह से मुझे थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ रही है पर मुझे लगता है कि हमें वार्म अप को स्किप कर देना चाहिए और अपने काम पे लग जाना चाहिए। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि सेल एंड गोकू एक दूसरे की तरफ फिर से काफ़ी तेज़ी से जा रहे होते हैं पर इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोकू एक किक मारता है अल्ट्रा इंस्टेंट सेल को पर सेल को वो किक नहीं लगता एंड सेल अपने अल्ट्रा इंस्टेंट की मदद से उस किक को डॉच कर देता है एंड सेल काफ़ी आराम से गोकू के एक के बाद एक किक को डॉच कर देता है एंड सेल बोलता है कि तुम इसे स्पीड कहते हो सन गोकू, तुम तो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा धीमे हो चुके हो। तभी हम देखते हैं कि सेल एक अटैक कर देता है गोकू के ऊपर पर उसका रिजल्ट भी सेम होता है एंड गोकू को वो अटैक नहीं लगता एंड गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट की मदद से उस अटैक को भी डॉच कर देता है एंड गोकू बोलता है कि लगता है हमारे पावर्स भी एक जैसे हैं, पता नहीं इसे हराने के लिए मुझे और क्या करना होगा। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोकू एक और अटैक करता है सेल के ऊपर पर यह अटैक भी सेल को नहीं लगता एंड सेल अल्ट्रा इंस्टेंट की मदद से इस अटैक को भी डॉच कर देता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में सेल अपने मन में सोच रहा होता है कि जिस स्टेज में हम दोनों हैं हम दोनों की ताकतें एक जैसी है एंड इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलने वाला है। तभी हम देखते हैं कि सेल के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाता है एंड सेल हंस रहा होता है एंड सेल बोलता है कि चलो देखते हैं इन एडवांस टेक्निक का सामना सन गोकू कैसे करता है एंड मुझे लगता नहीं है कि यामचा बुरा मानेगा एंड हम देखते हैं कि इस चीज़ को गोकू सुन लेता है एंड गोकू बोलता है कि यामचा। तभी हम देखते हैं कि सेल एकदम से यामचा का अटैक शूट कर देता है गोकू के ऊपर एंड सेल यामचा की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है गोकू के ऊपर। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि यह अटैक इतनी तेज़ी से गोकू की तरफ गया रहता है कि गोकू को इस अटैक को डॉच करने का मौका नहीं मिलता एंड गोकू को इस अटैक को डिफेंड करना पड़ता है एंड गोकू बोलता है कि सेल इस टेक्निक का इस्तेमाल यामचा से अच्छा करता है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोकू एकदम से पीछे हट जाता है एंड इस चीज़ को देखकर सेल को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है एंड सेल बोलता है कि क्या हुआ सन गोकू, क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम अपने कमज़ोर दोस्त के अटैक का सामना कर सको, एंड वैसे भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यह अटैक किसका है, फिलहाल तो इस अटैक को गॉड चला रहा है। एंड गोकू बोलता है कि मैं गॉड्स से मिल चुका हूँ सेल, तुम गॉड्स की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हो एंड तुम यामचा का टेक्निक भी यूज़ करने के लायक नहीं हो, तुम बस एक कॉपी हो और तुम हमेशा यही रहने वाले हो। एंड सेल बोलता है कि तुमने तो वाकई में मेरे फीलिंग्स को हर्ट कर दिया सन गोकू,
अगर मैं यामचा के टेक्निक को यूज़ करने के लायक नहीं हूँ तो मैं किसी और का टेक्निक यूज़ करता हूँ। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि सेल अपने दोनों फिंगर्स को हेड के पास रखता है एंड हमें पता है कि सेल अभी किसका टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। एंड सेल बोलता है कि इस टेक्निक को तो तुम जानते ही होगे, ये उस शख्स का टेक्निक है जो गोवान का सेकेंड फादर है एंड उसने गोवान के लिए जो किया है वो तो तुमने भी नहीं किया है। एंड ये शख्स ऑलमोस्ट मेरे ही तरह है एंड तुम अभी इसका सामना करके बताओ सन गोकू। इस चीज़ को देखकर हम देखते हैं कि गोकू थोड़ा सा डर गया रहता है एंड गोकू बोलता है ये अटैक तो। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि सेल कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है एंड सेल काफ़ी तेज़ी से एनर्जी बढ़ा रहा होता है अपनी। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि सेल अपना फुल पावर स्पेशल बीम कैनल शूट कर देता है गोकू की तरफ एंड हम देखते हैं कि ये अटैक बुलेट की तेज़ी से जा रहा होता है गोकू की तरफ एंड गोकू बोलता है कि ये तो पिकोलो का अटैक है पर मुझे लगता है कि ये पिकोलो के अटैक से ज़्यादा तेज़ है। जिस तरीके से इस अटैक ने मुझे और रेडिस को ख़त्म किया था उस तरीके से मैं इस बार मरना नहीं चाहता। इतने में हम देखते हैं कि गोकू सेल के पीछे आ जाता है जिसे देखकर सेल थोड़ा सा हैरान रह जाता है एंड गोकू बोलता है कि शायद तुम्हारे पास पिकोलो की टेक्निक होगी पर तुम उसके जैसा निशाना नहीं लगा सकते हो। इसका सेल बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एक गॉड के सामने इस तरीके से बात करने की। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि सेल एक अटैक कर देता है गोकू के ऊपर एंड गोकू इस अटैक से अपने आप को बचा नहीं पाता एंड गोकू स्पेशल बीम कैनल जिस तेज़ी से उसकी तरफ आ रहा था उतनी ही तेज़ी से पहाड़ से जाकर टकराता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम गोकू को देखते हैं, हम देखते हैं कि गोकू की हालत थोड़ी सी ख़राब लग रही होती है। गोकू बोलता है कि शायद इसके हीट बीरस से भी ज़्यादा ताकतवर है, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा ताकतवर है एंड ऐसा लग रहा है कि ये लगातार ताकतवर बनता ही जा रहा है। पर ज़रा रुको, अभी वो कहाँ पर है? तभी हम देखते हैं कि अल्ट्रा सेल एकदम से आसमान में चला जाता है एंड अब वो टीएन की टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला होता है गोकू के ऊपर एंड हम देखते हैं कि गोकू ऑलरेडी सेल के निशाने पे आ चुका होता है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, हम देखते हैं कि गोकू एकदम से हैरान रह जाता है एंड गोकू बोलता है कि नहीं, क्या ये टीएन की टेक्निक है? इतने में हम देखते हैं कि सेल अपना अटैक शूट कर देता है एंड सेल बोलता है कि ट्राई बीम कैनन। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि ये अटैक काफ़ी तेज़ी से गोकू की तरफ चला जाता है एंड जैसे ये अटैक ज़मीन से टकराता है ज़मीन पर एक बहुत बड़ा छेद बन गया रहता है पर हमें गोकू कहीं पर भी नहीं दिख रहा होता। और इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें गोकू दिखता है, हम देखते हैं कि गोकू थोड़ा सा जख्मी लग रहा होता है एंड हम देखते हैं कि गोकू के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कपड़े भी फट गए रहते हैं एंड गोकू का शोल्डर भी जल गया रहता है एंड गोकू बोलता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुका है, मुझे नहीं लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, हम सबके बेस्ट पार्ट का इस्तेमाल कर रहा है हमारे ही खिलाफ और इस तरीके के शख्स का सामना मैं कैसे कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि सेल एकदम से गोकू के सामने आकर खड़ा हो जाता है एंड सेल बोलता है कि क्या हाल है सन गोकू, ये मत बोलना कि तुम हार मान रहे हो क्योंकि अभी तो खेल का मज़ा आना स्टार्ट हुआ है, जल्दी से मुझे एक और ट्रांसफॉर्मेशन दिखाओ, अपने बालों को और लंबा एंड अपने बालों का कलर चेंज कर लो, वो जो कुछ भी तुम बेवकूफ़ साइंस करते हो। पर हम देखते हैं कि गोकू कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद हम देखते हैं कि सेल को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड सेल बोलता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम सच में इतना ही कर सकते हो, क्या इसी सन गोकू का सामना करने के लिए मैं परफेक्ट बना था, ये तो बिल्कुल बेकार है, पर मुझे चलेगा, अगर तुम एक डरपोक की तरह मरना चाहते हो तो मुझे चलेगा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि सेल फ्रीजा का अटैक यूज़ करता है जिसका नाम होता है डेथ बीम, जिसकी मदद से फ्रीजा ने वेजिटा को मारा था। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि ये अटैक जाकर गोकू के चेहरे पर लगता है एंड जैसे ये अटैक गोकू के चेहरे पर लगता है गोकू के मुँह से खून निकल रहा होता है एंड जैसे ये अटैक गोकू को लगता है वैसे हम देखते हैं कि परफेक्ट सेल हंसने लग जाता है एंड वो बोलता है कि ये शॉट तो काफ़ी अच्छा था, फादर ने बिल्कुल एक परफेक्शन को बनाया है, मैं कभी भी कोई हिट मिस ही नहीं कर सकता, पर ये चीज़ हम सेम सन गोकू के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सन गोकू तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है, जैसे तुम्हारा बेटा था वैसे ही तुम हो। और इसके नेक्स्ट पेजेस में हम गोकू को देखते हैं, हम देखते हैं कि गोकू अभी भी शांत खड़ा हुआ होता है एंड वो अटैक लगने के बावजूद गोकू घेरा नहीं होता, वो अभी भी अपने पैरों पर ही खड़ा हुआ होता है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोकू अल्ट्रा ईगो फॉर्म को दिखाता है एंड गोकू बिल्कुल वेजिटा की तरह ही लग रहा होता है एंड गोकू बोलता है कि तुम क्या कह रहे थे मेरे बेटे के बारे में सेल। एंड इस चीज़ को देखकर सेल पूरी तरीके से हैरान रह जाता है एंड सेल बोलता है कि आखिर ये क्या है, ये मेरे डेटा में तो था ही नहीं। एंड जैसे ही गोकू अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है वैसे ही हम देखते हैं कि गोकू एकदम से सेल के सामने आकर खड़ा हो जाता है। गोकू बोलता है कि अपना डिफेंस बढ़ा लो सेल। एंड सेल अपने मन में सोच रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुका है, फिर ये किस तरीके के टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। एंड गोकू बोलता है कि सेल लगता है तुमने इस तरीके के सिचुएशन का सामना कभी नहीं किया है जहाँ पर तुम अपने ओपोनेंट के टेक्निक को कॉपी नहीं कर सकते हो। सेल मुझे पता है कि जिन भी टेक्निक्स के बारे में तुम जानते हो तुम उन सारे टेक्निक्स को कॉपी कर लेते हो,
पर शायद इस टेक्निक का तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि इसके बारे में तुम जानते ही नहीं थे। पर वैसे भी ये कोई टेक्निक तो है नहीं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है और ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ सेयंस के लिए ही बना है। जिस तरीके से तुम एक सुपर सेयन में नहीं बदल सकते, उसी तरीके से तुम इस ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं पा सकते। मुझे नहीं लगता तुम उतने परफेक्ट हो जितना तुम अपने आप को परफेक्ट समझते हो सेल। एंड सेल बोलता है कि आखिर तुमने क्या कहा मुझसे सन गोकू, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने इस तरीके से बातें करने की। तुम सेयंस कुछ भी नहीं कर सकते एंड तुम सेयंस चाहे जितना भी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाओ एंड जितना भी ज़्यादा अपना हेयर का कलर चेंज कर लो, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और मेरे परफेक्शन के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि सेल एक ज़बरदस्त पंच मार देता है गोकू के चेहरे पर। सेल को नहीं पता कि वो गोकू को जितना ज़्यादा मारेगा उतना गोकू ट्रिगर होता जाएगा। एंड सेल बोलता है कि मैं इस गेम को अभी और इस वक्त ख़त्म करता हूँ सन गोकू। एंड तभी हम देखते हैं कि सेल एकदम से गोकू के पीछे आकर खड़ा हो जाता है एंड सेल एक अटैक करने वाला होता है गोकू के ऊपर। पर हम देखते हैं कि अभी भी गोकू की आंखें बंद ही होती है एंड गोकू के मुंह से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है। एंड सेल बोलता है कि इसके बाद मुझे ये बोल के दिखाना कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ सन गोकू। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि सेल एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है गोकू के ऊपर, जिसके वजह से गोकू की ऑलमोस्ट जान निकल जाती है। गोकू के चेहरे को देखकर आप पता लगा सकते हो कि ये अटैक कितना पावरफुल था एंड गोकू को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है इस अटैक की वजह से। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू एक लाश की तरह ज़मीन की तरफ गिर रहा होता है। एंड सेल बोलता है कि मैं तो थोड़ा सा डर जरूर गया था तुम्हारे इस मिस्ट्री फॉर्म को देखकर, पर ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोकू को फुटबॉल की तरफ मारता है सेल एंड गोकू को एक ज़बरदस्त किक मार के सेल उड़ा देता है एंड गोकू फिर से सारे बिल्डिंग से जाकर टकराता है। एंड इसके बाद सेल बोलता है कि सन गोकू वाकई में तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे बाकियों से, इस नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की वजह से मैं तुम्हें जितना चाहे उतना मार सकता हूँ, पर दुख की बात यह है कि इससे ज़्यादा ये फॉर्म कुछ नहीं कर सकता। आखिर तुम बिना अटैक किए मुझे कैसे हरा सकते हो? गोकू इस बैटल को सीरियसली लो और फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाओ अपने वाइट हेयर में, कम से कम उसमें मुझे थोड़ा सा मज़ा तो आ रहा था। इसके बाद हम फिर से गोकू को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोकू अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो जाता है एंड गोकू धीरे धीरे फिर से बैटल की तरफ बढ़ रहा होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम गोकू को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही ज़्यादा सीरियस लग रहा होता है एंड गोकू अभी भी अपने अल्ट्रा ईगो फॉर्म का ही इस्तेमाल कर रहा होता है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोकू आसमान की तरफ देखता है एंड गोकू हंसने लग जाता है एंड गोकू बोलता है कि इसी तरीके की दर्द की तो मुझे ज़रूरत थी, तो बिल्कुल बीरस की तरह ही है। जितना मैं मार खाऊंगा उतना ज़्यादा मैं ताकतवर बनता जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी तक सेल के हाथों से इतनी मार खाई है जिसकी मदद से मैं सेल और मेरे बीच के एनर्जी गैप को भर सकूं। इस चीज़ को ढूंढने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोकू हमेशा शूट करने वाला होता है एंड इस चीज़ को देखकर हम देखते हैं कि सेल थोड़ा सा हैरान रह जाता है एंड सेल बोलता है कि आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि मेरे हाथों से इतने बुरी तरीके से मार खाने के बाद उसे ऐसा लग रहा है कि वो भीम की मदद से जीत सकता है इस फाइट को। क्या उसे नहीं पता कि उसकी हालत अभी क्या है? पर छोड़ो, वो उसकी मर्जी, उसे जो करना है वो करेगा। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि सेल भी हमेशा शूट करने वाला होता है गोकू के ऊपर। एंड सेल एंड गोकू दोनों ही एक दूसरे की तरफ अपना पावरफुल अटैक हमेशा शूट कर देते हैं। दोनों के बीम्स आपस में टकराने वाले होते हैं एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि दोनों के बीम्स आपस में टकराते हैं एंड बीम का स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। एंड सेल बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था सन गोकू, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरा सामना कर पाओगे। तुम्हारा बेटा तो काफ़ी ज़्यादा प्राउड महसूस करेगा इसे देखकर, पर एक चीज़ की वजह से उसे हमेशा शर्म महसूस होगी, वो ये है कि उसका बेवकूफ़ फादर उसे बचा नहीं पाया। ये सुनकर हम देखते हैं कि गोकू को और भी ज़रा गुस्सा आ जाता है एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोकू एकदम से शांत हो जाता है एंड गोकू बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है सेल, मुझे लगता है कि तुम मुझे जितना गुस्सा दिलाओगे उतना ताकतवर मैं बनता जाऊँगा, और इसी चीज़ के बारे में शायद बीरस भी मुझे बता रहा था एंड इसी को शायद बैटल की भूख कहते हैं। एंड सेल बोलता है कि पावर की भूख, आखिर तुम किस तरीके की नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हो सन गोकू, तुम कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हारा कोई चांस है मुझे हराने का। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि ये बोलने के बाद सेल अपनी पावर को दुगना कर देता है एंड जैसे ही वो ऐसा करता है हम देखते हैं कि सेल का भी ओवर पावर करने लग जाता है गोकू के भीम को। एंड गोकू बोलता है कि धत तेरी की, इसके पास अभी भी इतनी ज़्यादा ताकत बची हुई है? मुझे लगता है कि मैं सेल के बारे में बिल्कुल सही सोच रहा था, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस बैटल को इस तरीके से जीत सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि गोकू जिस बिल्डिंग से थोड़े से पहले निकला था उस बिल्डिंग से कोई निकलता है एंड तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से सेल के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सेल पूरी तरीके से हैरान रह जाता है एंड सेल बोलता है कि क्या। एंड सेल के सामने एक दूसरा अल्ट्रा ईगो गोकू आकर खड़ा हो जाता है एंड इस चीज़ को देखकर सेल पूरी तरीके से हैरान रह जाता है एंड सेल बोलता है कि आखिर ये क्या है, क्या यहाँ पर दो सन गोकू है?
आखिर सैन गोकू ने अभी और इस वक्त क्या किया? एंड गोकू बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे सेल। मुझे लगता है कि तुम मेरे दोस्त टीएन की एक और टेक्निक के बारे में भूल चुके हो। टीएन ने मुझे इस टेक्निक के बारे में बताया था। इस टेक्निक का नाम है मल्टीफॉर्म टेक्निक। ये मेरा एक परफेक्ट कॉपी बना देता है और उसके अंदर मेरी थोड़ी सी एनर्जी चली जाती है एंड मेरी एनर्जी डिवाइड हो जाती है। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि मेरा कॉपी भी मेरे अटैक्स का इस्तेमाल कर सकता है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोकू फाइनली बोलता है हक्काई। एंड जैसे ही गोकू हक्काई बोलता है वैसे ही हम देखते हैं कि सेल धीरे धीरे गायब होने लग जाता है। एंड सेल भीम स्ट्रगल में इतना ज़्यादा बिजी था कि सेल को बच के निकलने का मौका भी नहीं मिलता। एंड सेल बोलता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल बेकार है। आखिर मैं अभी और इस वक्त क्या कर सकता हूँ? ये हकाई एनर्जी मुझे पूरी तरीके से इरेज कर देगी। पर वहीं पर अगर मुझे खामे हमें हाँ अटैक लग जाता है तो मैं सर्वाइव कर जाऊँगा। इनफैक्ट मैं रीजनरेट करके वापस से आ सकता हूँ और जब मैं दोबारा आऊँगा तब मैं उससे भी ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि सेल का ध्यान उस गोकू के ऊपर जाता है जो सेल के ऊपर हकाई एनर्जी से अटैक कर रहा था। एंड इस वाले गोकू के ऊपर सेल भी हकाई एनर्जी का यूज़ कर देता है। दरअसल यहाँ पर दो गोकू है, एक गोकू सेल को सामने से खामे हमें हा कर रहा है एंड एक गोकू पीछे से हकाई एनर्जी का यूज़ कर रहा है सेल के ऊपर। इसलिए सेल का प्लान ये है कि खामे हमें हा अटैक को वो अपने ऊपर आने देगा एंड जो गोकू हकाई एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है वो उस गोकू के ऊपर हकाई एनर्जी का इस्तेमाल करेगा। क्योंकि अगर खामे हमें हा उसे लग जाता है तो भी उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर हकाई लगता है तो वो पूरी तरीके से इरेज हो जाएगा। पर हम देखते हैं कि जो गोकू खामे हमें हा कर रहा था वो गोकू इस चीज़ को समझ जाता है एंड ये वाला गोकू बोलता है कि हाँ, मुझे वो मौका मिल गया, यही मेरा मौका है। एंड ये वाला गोकू अपने खामे हमें हा को फिर से चार्ज करता है एंड ये वाला गोकू खामे हमें हा के साथ हकाई एनर्जी भी शूट कर देता है सेल के ऊपर। गोकू के इस अटैक का नाम होता है खामे हामे हकाई। इसका मतलब यह है कि इस अटैक के अंदर खामे हमें हा की भी एनर्जी होगी प्लस हकाई एनर्जी भी होगी, जिसके वजह से सेल पूरी तरीके से इरेज हो जाएगा। एंड इस चीज़ की उम्मीद सेल ने नहीं की थी एंड हम देखते हैं कि सेल धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है। एंड हम देखते हैं कि सेल की पूरी बॉडी श्रिंक कर जाती है एंड इसके बाद हम देखते हैं कि सेल पूरी तरीके से वैनिश हो जाता है एंड सेल का नामो निशान नहीं रहता। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है एंड आखिरकार ये बैटल ख़त्म हो जाती है। एंड इसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।